टेस्टिंग क्या है? फंक्शनल टेस्टिंग ये है जिसे हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, यानी कि हम अपने सिस्टम की सिर्फ फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हैं कि कौन से इनपुट पे कौन सा आउटपुट आएगा, उसको हम कहते हैं कि ये आपकी फंक्शनल टेस्टिंग है, यानी कि आप सिस्टम के फंक्शंस को चेक कर रहे हो। उसमें हम अपने सिस्टम के कोड को नहीं चेक कर रहे, हम सिर्फ सिस्टम को एज एक बॉक्स के तौर पर चेक कर रहे हैं कि उस बॉक्स में अगर हम इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास प्रोग्राम सही काम नहीं कर रहा तो हम कह देंगे कि सही काम नहीं कर रहा। उस समय ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा लूप सही काम नहीं कर रहा, कौन सा लाइन ऑफ कोड सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं। जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे पास या तो फंक्शनल टेस्टिंग होती है या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होती है। फंक्शनल टेस्टिंग जैसे कि मैंने अभी बताया, हम इसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कह सकते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब यह है कि पूरे सिस्टम को आपने जो है ना सिर्फ उसकी इनपुट के ऊपर असेस करना कि जब मैं इसको कोई एक्स इनपुट देता हूँ तो उसको मेरे पास वाई आउटपुट आना चाहिए, अगर वो ठीक है तो ये मेरी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक है। तो हम इसीलिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को फंक्शनल टेस्टिंग भी कह सकते हैं और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कह सकते हैं, क्योंकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम एक एक फंक्शंस को चेक कर सकते हैं, लूप्स को चेक कर सकते हैं, डाटा फ्लो को चेक कर सकते हैं, यानी कि हम कोडिंग को चेक कर सकते हैं, कोडिंग का इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो सारी हमारी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। सो फंक्शनल टेस्टिंग की हमें क्या जरूरत है कि जब हमने कोडिंग तो हमने अपनी जगह पर टेस्ट करनी ही करनी है, लेकिन अगर आपने सिर्फ फंक्शनैलिटी की बात करते हैं कि प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो फिर हम फंक्शनल टेस्टिंग कर सकते हैं जिसमें हमें फिर कोड की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब हमें कोड की ज़रूरत नहीं होती तो फिर हम सिर्फ साथ साथ जो है ना इनके हर इनपुट के ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उससे हमें क्या होता है कि अगर हम फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं तो कोई मिसिंग लॉजिक जो है वो हमें पता लग जाएगी कि किस इनपुट के ऊपर ये आउटपुट नहीं आ रहा, सही आ रहा है कि क्या आ रहा है। फंक्शनल टेस्टिंग आपका हर लेवल के ऊपर लग सकता है, यानी कि आपके पास यूनिट टेस्टिंग पे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे, सिस्टम टेस्टिंग पे, हर लेवल के ऊपर आपका फंक्शनल टेस्टिंग अप्लाई किया जा सकता है। सो लेट्स क्विकली सम इट ऑल अप। फंक्शनल टेस्टिंग इज द बेस्ट फॉर मिसिंग लॉजिक फॉल्ट्स। अ कॉमन प्रॉब्लम is that some program logic was simply forgotten. बाज़ औक़ात आपको नहीं पता लग रहा होता। Structural or code-based testing will never focus on the code that isn't there. अब इसका मतलब ये है कि आपने एक कोड लिखा है, एक लूप लिखा है, तो वो लूप के अंदर जो चीज़ आपने टेस्ट लिखा है उसी टेस्ट के ऊपर वो फोकस करेगा, लेकिन अगर उस टेस्ट से हट के कोई इनपुट आए तो क्या वो उसको हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो आपको आउटपुट की फॉर्म में पता लगेगा फंक्शनल टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है। फंक्शनल टेस्टिंग इज टाइप ऑफ अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इट इज बेस्ड ऑन टेस्ट केसेस ऑन स्पेसिफिकेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट अंडर टेस्ट। यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जिसके ऊपर आप चेक करना चाहते हैं कि मैं इस कंपोनेंट को अगर मैं एक्स इनपुट देता हूं तो मेरा वाई आउटपुट आना चाहिए, तो उसके लिए आप एक टेस्ट केस बनाते हैं। फंक्शंस आर टेस्टेड बाय फीडिंग देम इनपुट एंड एग्जामिनिंग द आउटपुट। जैसे कि हमने बोला कि फंक्शनल टेस्टिंग या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप इसी तरह चेकिंग करते हैं कि अपने सिस्टम को इनपुट दिया और आउटपुट आया, तो आप उसको चेकआउट करते हैं कि इसका आउटपुट जो आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। इंटरनल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इज रेयरली कंसिडर्ड। फंक्शनल टेस्टिंग में इसका कोई वो नहीं है कंपोनेंट। फंक्शनल टेस्टिंग यूजुअली डिस्क्राइब्स व्हाट द सिस्टम डज, यानी कौन से इनपुट पे क्या आउटपुट आता है। इट इज परफॉर्म टू वेरीफाई दैट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन परफॉर्म्स एंड फंक्शंस करेक्टली अकॉर्डिंग टू द डिजाइन स्पेसिफिकेशंस और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यानी कि यूजर ने जिस तरह उसको बोला था कि इस इनपुट पे ये आउटपुट आना चाहिए, उसी तरह का डिजाइनिंग बनाई गई थी डिजाइन फेज के अंदर, तो क्या वो उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ड्यूरिंग फंक्शनल टेस्टिंग वी चेक द कोर एप्लीकेशन फंक्शंस, टेक्स्ट इनपुट, मेन्यू फंक्शंस एंड इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ऑन लोकलाइज्ड मशीन एक्सेट्रा। यानी कि आप फंक्शनल टेस्टिंग में जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, अगर कोड चेक नहीं कर रहे तो फिर आप क्या चेक करोगे, सॉफ्टवेयर सही तरीके से इंस्टॉल हो रहा है, इनपुट सही कर रहा है, इनपुट के ऊपर आउटपुट सही कर रहा है, एंड सो ऑन। फंक्शंस और फीचर्स आर टेस्टेड बाय फीडिंग देम इनपुट एंड एग्जामिनिंग द आउटपुट। कोडिंग के ऊपर बात नहीं हो रही है, सारी इनपुट और आउटपुट के ऊपर बात हो रही है। फंक्शनल टेस्टिंग इंश्योर्स दैट द रिक्वायरमेंट्स आर प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड बाय द एप्लीकेशन। हर इनपुट के ऊपर सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। This type of testing is not concerned with how processing occurs, but rather with the result of the processing.
यानी कि अगर आपने कोई अपनी कोडिंग के अंदर कोई लगाया हुआ है, स्लेव ऑफ हैंड लगाया हुआ है, यानी कि कोई जुगाड़ लगाई हुई है आपने प्रोसेसिंग अपनी कोडिंग के अंदर, तो फंक्शनल टेस्टिंग का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फंक्शनल टेस्टिंग को सिर्फ इससे ताल्लुक है कि किस इनपुट पे जो है आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस तरह आ रहा है, वो फंक्शनल टेस्टिंग का काम नहीं है। तो फंक्शनल टेस्टिंग क्या करता है, जनरली इसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई द फंक्शंस दैट द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, क्रिएट इनपुट डाटा बेस्ड अपॉन द फंक्शन स्पेसिफिकेशन, डिटरमाइन द आउटपुट बेस्ड अपॉन द फंक्शन स्पेसिफिकेशन, एग्जीक्यूट द टेस्ट केस एंड कंपेयर द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। यानी कि आपका जो टेबल होता है जिसमें आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि आप बताते हैं कि मैंने किस फंक्शन की टेस्टिंग करनी है, इनपुट क्या दूंगा, उस इनपुट के अगेंस्ट में आउटपुट क्या आना चाहिए, और एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटपुट को फिर आप आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो ये आपका टेस्ट केस बन जाता है कि जिससे आपका पता लग जाता है कि आपका टेस्ट पास है या फेल है। इसे हम डिटेल में आगे के अपनी वीडियोस के अंदर चेकआउट करेंगे। फंक्शनल टेस्टिंग के एडवांटेजेस, इट सिमुलेट्स एक्चुअल सिस्टम यूजेज, इट डज नॉट मेक एनी सिस्टम स्ट्रक्चर अजम्पशंस। ठीक है, ये आपको नहीं पता, अजूम नहीं करता कि जिंदर लूप लगा होगा या 10 दफा उसी कोड को लिखा होगा या इफ एल्स लगा हुआ है या स्विच लगा हुआ है, उसका बस ये है कि जी सही काम कर रहा है, सही इनपुट पे सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिसएडवांटेज, इट इज द पोटेंशियल ऑफ मिसिंग लॉजिकल एरर्स इन द सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमारे इनपुट के ऊपर आउटपुट सही आ रहा है तो ऑफ कोर्स हम 100% टेस्टिंग नहीं कर पा रहे, या बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो हमारे जेन में नहीं आ रहे लेकिन सिस्टम के अंदर वो फॉल्ट मौजूद है, तो इस तरह हम उसको मिस आउट कर सकते हैं। इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ रिडंडेंट टेस्टिंग, इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ रिडंडेंट टेस्टिंग, यानी कि आप जब उसमें इनपुट पे आउटपुट चेक कर रहे हो तो उसमें रेपिटेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं तो हमें रैंडम फंक्शनल टेस्टिंग करनी चाहिए, सिस्टमैटिक फंक्शनल टेस्टिंग करनी चाहिए। इट इज आइडियली प्रिफर्ड टू डू अ सिस्टमैटिक फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, जैसे कि इस फिगर के अंदर हम सिस्टमैटिकली वन बॉल, एक एक बॉल करके इस सिस्टम में से निकालेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर अपना मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर हम एकदम से रैंडम कोई भी एक बॉल निकाल लेंगे तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो टेस्टिंग हमारी प्रॉपर नहीं हो सकेगी। ठीक है, रैंडम टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, पिक पॉसिबल इनपुट्स यूनिफॉर्मली, हम एक पहले स्कीम फॉलो करते हैं कि हमें कौन कौन से इनपुट करने हैं। ठीक है, और उसके बाद हम डिजाइनर बायस को स्किप करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर हमने खुद भी ये चीज को डिजाइन किया हुआ है तो हम उसको जो है वो एक न्यूट्रलिटी के तौर पर उसको टेस्ट करें। ठीक है, और अजम्पशन ना करें, हर चीज को हम टेस्ट करें, ट्रीट ऑल इनपुट्स एज इक्वली वैल्यूएबल, यार इस टेस्ट की हमें जरूरत नहीं, अगर ये एरर आ भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता सिस्टम को, नहीं उसको भी टेस्टिंग करनी है आपने। सो रैंडम क्यों नहीं करने चाहिए, बिकॉज डिफेक्ट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। अगर आप रैंडम टेस्टिंग करते हैं किसी एक पे आपको क्लियर मिल जाता है तो कोई और जो है आपका इशू वहां पे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे रूट्स अप्लाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर अगर आपके पास B² - 4AC अगर आपके पास 0 आ गया और A भी आपके पास 0 आ गया तो क्या होगा, आपका जो है टेस्ट वो फेल कर जाएगा। ठीक है, और लेकिन रैंडम सैम्पलिंग जब आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो इट इज वेरी अनलाइकली कि आप ए और बी को 0 लें, इट इज वेरी वेरी अनलाइकली, तो आप उस टेस्ट को चेक ही नहीं कर सकेंगे, आप कहेंगे बस ठीक है चल रहा है। तो अगर रैंडम टेस्टिंग की बजाय आप सिस्टमेटिक टेस्टिंग को प्रेफर करने चाहिए। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल है, अगर हमें डिटेल इन हेस्टैक फाइंड करनी है तो उसका बेस्ट तरीका सिस्टमेटिकली फाइंडिंग का है, इसको अगर हम रैंडमली चेकआउट करना चाहेंगे तो फिर हम एक ही जगह पे बार बार ढूंढते रहेंगे और हमें जो है ना वो सुई मिलेगी नहीं, सुई हमें मिलेगी नहीं, वो खो जाएगी कहीं पे और हम जो है ना वो हैशटैग को जो है ना बस क्या कहना चाहिए बार बार उसी के अंदर रिपीटेशन करते रहेंगे, तो इसलिए हमें हमेशा सिस्टमैटिक जो है ना वो करनी चाहिए फंक्शनल टेस्टिंग। यानी कि हमें सबसे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हम टेस्टेबल फीचर्स बनाए कि हमने क्या टेस्ट करना है, अगर वो टेस्ट हमने मॉडलिंग के थ्रू करना है तो हम उसका मॉडल ड्राइव कर लें, और अगर कुछ हमने उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज के थ्रू करना है तो हमें उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। वो आइडेंटिफाई करने के बाद हम टेस्ट केसेस बनाते हैं, और टेस्ट केसेस जब बन जाता है तो हम उस टेस्ट केस की स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, और टेस्ट केस की स्पेसिफिकेशन के बाद हम उसके टेस्ट केसेस जनरेट कर लेते हैं। दैट इज हाउ सिस्टमैटिक फंक्शनल टेस्टिंग शुड बी फॉलोड। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हम बात करें इसकी एक कैलकुलेटर की, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की, तो हमारे पास
जब हम सिस्टमेटिक बनाते हैं कोई भी टेस्ट, तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि डिपेंडेबल टेस्ट कौन से और इंडिपेंडेंट टेस्ट कौन से हैं। तो अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो हर कैलकुलेटर का जो हर फंक्शन है वो आपके पास क्या होता है, वो एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, सिवाय कौन से फंक्शंस के, मेमोरी के फंक्शंस के, एम प्लस के फंक्शन के, एम माइनस के फंक्शन के, क्योंकि उसके लिए पहले आपके पास डाटा का स्टोर होना शर्त है, यानी कि वो डिपेंडेंट है इस चीज के ऊपर कि मेमोरी में अगर वैल्यू होगी तो फिर वो उसके ऊपर आपकी फर्दर एग्जीक्यूशन करेगा। उसके अलावा आपका हर फंक्शन जो है कैलकुलेटर का वो एक इंडिपेंडेंट टेस्टेबल फीचर या इंडिपेंडेंट टेस्टेबल फंक्शन है। व्हाट अबाउट पोस्टल कोड? अगर हमारे पास एक पोस्टल कोड की बात होती है कि हमारे पास 5 डिजिट जिप कोड हमने एंटर करना है और आउटपुट में हमारे पास लिस्ट ऑफ सिटीज आएंगी, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो, या कौन कौन सी वैल्यूज को हम टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम वैलिड टेस्ट वैलिड की बात करते हैं कि वैलिड हमने कोई इनपुट दिया जिसके अगेंस्ट में आउटपुट कुछ भी नहीं आया, 0 सिटीज आउटपुट पे आए, यानी कि हमने गलत जिप कोड इनपुट कर दिया, ये भी वैलिड इनपुट है। अच्छा, उसके बाद 1 सिटी आउटपुट पे आई, ये भी वैलिड है हमारे पास, और मैनी सिटीज एड आउटपुट, ये भी वैलिड है, क्योंकि हम अगर उसके अंदर सिस्टम के अंदर इनपुट करें तो हमारा वैलिड हो सकता है, डिपेंडिंग हमारा सिस्टम किस किस्म का है। व्हाट अबाउट इनवैलिड? इनवैलिड ये है कि हमने खाली छोड़ दिया, जिप कोड के एरिया को हमने खाली छोड़ दिया, तो ये इनवैलिड हो गया। हमने 5 करेक्टर की बजाय 4 करेक्टर इनपुट कर दिए, ये भी हमारा जो है ना वो एक इनवैलिड इनपुट है। 6 करेक्टर इनपुट कर दिए, ये भी इनवैलिड है। 6 से ज्यादा इनपुट कर दिए, ये भी इनवैलिड है। डिजिट्स की बजाय यहाँ पे करेक्टर इनपुट कर दिया हमने, तो ABC लिख दिया, ये भी इनवैलिड इनपुट है। और नॉन करेक्टर डाटा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बैक स्लैश लगा दिया, एट द रेट ऑफ लिख दिया, तो ये भी आपके इनवैलिड जिप कोड्स हैं। तो ये हम टेस्टिंग करने से हमें पता लगा कि ये सारे हमारे कौन से वैलिड इनपुट्स हैं, कौन से इनवैलिड जिप कोड के फंक्शनैलिटी। सो हमारे पास जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या फंक्शनल टेस्टिंग है, फोकस इज ऑन व्हाट एंड नॉट हाउ। हाउ पे नहीं करता वो, व्हाट पे करता है, ठीक है। ओके, ग्रैनुलैरिटी लेवल का मतलब है कि किस लेवल की डिटेल्स वो हमें बता रहा है, ग्रैनुलैरिटी लेवल किस लेवल की डिटेल जा रहा है। तो फंक्शनल टेस्ट आपके पास जो है वो यूनिट टेस्टिंग में भी लग सकता है, इंटीग्रेशन में भी लग सकता है, सिस्टम में भी लग सकता है, रिग्रेशन में भी लग सकता है। यूनिट टेस्टिंग में वो आपको मॉड्यूल इंटरफेस स्पेसिफिकेशन के लिए काम आ सकता है, इंटीग्रेशन में फ्रॉम API और सब सिस्टम स्पेसिफिकेशन को आप चेक कर सकते हैं। सिस्टम टेस्टिंग की अगर आप फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन चेक से वेरीफाई कर सकते हैं। रिग्रेशन के अंदर आप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स प्लग बग हिस्ट्री दोनों को मिला के आप जो है ना रिग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं फंक्शनल टेस्टिंग अप्लाई करते हुए। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग की अगर हम बात करें, जिसे हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं या कोड बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं, वो आपका जो है ना वो सिर्फ यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसमें आप कोडिंग को टेस्ट कर रहे हैं,